मॉर्निंग, मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो आज हम लिंक लिस्ट के बारे में देखने जा रहे हैं, लिंक लिस्ट के प्रोग्राम के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम डायनेमिक मेमोरी कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे उसका यूज करेंगे, और मैंने ये बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या यूज होंगे लिंक लिस्ट में। तो कौन कौन से ऑपरेशंस हम लिंक लिस्ट पे जनरेट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों को एक बार फिर से देखते हैं, और हम एक रिपीटेशन आप लोग को थोड़ा दिखा देते हैं कि जो जो ऑपरेशंस हम करेंगे वो हमारा क्रिएशन ऑफ लिस्ट है, इंसर्शन है, डिलीशन है, सर्चिंग है, काउंटिंग है एंड डिस्प्लेइंग ऑफ द ऑल डेटा है। इन सारे ऑपरेशंस को जनरेट करने के लिए हम लोगों को फंक्शंस डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे क्रिएशन ऑफ लिस्ट, यानी हम लिंक लिस्ट को डिक्लेयर करेंगे, लिंक लिस्ट को बनाएंगे। इंसर्शन, सिलेक्शन ये तब होगा जब हमारा लिंक लिस्ट क्रिएट है। हमारा लिंक लिस्ट, जैसे ये हमारा लिंक लिस्ट बना हुआ है, तो ये बना हुआ है तो इसमें इंसर्ट होगा या डिलीट होगा या सेलेक्ट होगा, लेकिन ये नहीं है, हमको शुरुआत करनी है। तो हम इसका क्रिएट लिस्ट का यूज करेंगे और क्रिएट लिस्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो जिन्होंने भी हमारा पिछला वीडियोस देखा है उनको समझने में आसानी होगी, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के पहले वो हमारे पिछले दो वीडियोस को देखे और फिर इस वीडियो पे आए, तब वो कंसेप्ट को सही से समझ पाएंगे। मैं इस हमारा अपना वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के दोबारा से भी इसको देख सकते हैं, सारे वीडियोज आपको वहां पे भी मिलेंगे, और आपको वहां पे हमारी मटेरियल्स भी अब वहीं पे मिलेगी हमारी वेबसाइट पे। तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करेंगे, मटेरियल्स जो डाउनलोड करना होगा डाउनलोड कर लेंगे। तो हम लोग ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, क्रिएट लिस्ट फंक्शन, इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्शन, डिस्प्ले एक्सेट्रा। आज हम लोग क्रिएट लिस्ट फंक्शन को देख रहे हैं। तो लिंक लिस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो ये मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे एक डिक्लेयर किया, जैसा मैंने पहले बताया हुआ है कि इस स्ट्रक्चर वेरिएबल में एक डेटा सेक्शन और दूसरा एड्रेस सेक्शन, और इसी नो स्ट्रक्चर नोड का पॉइंटर है नेक्स्ट, जिसमें एड्रेस रखा जाएगा, और स्टार्ट जो पहले नोड का एड्रेस रखेगा। तो स्टार्ट में अभी शुरू में हम लोग यहाँ पे नल वैल्यू असाइन करेंगे, क्योंकि अभी कोई भी लिस्ट नहीं बना हुआ है तो स्टार्ट में कोई एड्रेस नहीं होगा, इसलिए स्टार्ट में नल होगा। तो स्टार्ट में हमारा अभी नल है। अब हम लोग यूजर से चॉइस इनपुट कर रहे हैं हर ऑप्शन के लिए, और यूजर का चॉइस यहाँ पे इनपुट किया गया। अब हम स्विच केस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। स्विच केस में हम लोग पहला केस हमारा क्रिएट लिस्ट फंक्शन का है, लेकिन पहले केस पे जाने से पहले हमको चेक करना होगा कि लिस्ट तभी क्रिएट हो सकता है जब लिस्ट पहले से नहीं हो, यानी कि स्टार्ट नल है। अगर स्टार्ट नल नहीं है तो हमारा लिस्ट क्रिएट नहीं होगा, हम इस केस से बाहर आ जाएंगे। ब्रेक स्टेटमेंट, इफ के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट देंगे और इस केस से बाहर आ जाएंगे। और अगर हमारा लिस्ट क्रिएटेड नहीं है, यानी स्टार्ट हमारा नल है, यहाँ पे कंडीशन नॉट नल का है, तो अगर नॉट नल नहीं है यानी स्टार्ट नल है तो हमारा लिस्ट क्रिएट होना शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लोग पांच लिस्ट बनाएंगे लिंक लिस्ट में क्रिएशन के टाइम पे। तो क्रिएशन के टाइम पे पांच लिस्ट बनेगा, तो अभी पहला लिस्ट क्रिएट होने के लिए लूप शुरू हुआ जीरो से। अब जीरो से लिस्ट शुरू हुआ, पहला डेटा यूजर इनपुट करता है, तो हम मानते हैं कि पहला डेटा यूजर ने यहाँ पे दिया 25, यूजर ने इनपुट किया 25 फर्स्ट डेटा, ये 25 यहाँ गया। अब ये फंक्शन कॉल हुआ क्रिएट लिस्ट का, क्रिएट लिस्ट फंक्शन कॉल हुआ। क्रिएट लिस्ट फंक्शन में हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन में हमारा काम होगा मेमोरी जनरेट करने का। तो हमने पी पॉइंटर बनाया है नोड का और क्यू, तो अभी पी पे मेमोरी जनरेट किया गया, नोड टाइप का ये मेमोरी हुआ और इसका साइज भी नोड के साइज का हुआ। तो जैसे ही नोड टाइप का ये मेमोरी बनेगा, इसमें एक डेटा सेक्शन और एक नेक्स्ट, दो मेमोरी इस स्ट्रक्चर की मेमोरी में आ जाएंगे। डेटा पे हमारा ये 20 40 जो वैल्यू हमारा आ रहा है,
यहाँ पे हमने 25 दिया था, तो हमारा यहाँ पे 25 वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे 25 ये 25 हमारा आया है, तो ये हमने पी पॉइंटर पी के डेटा पे इस आइटम को जो ये वैल्यू यहाँ आ रहा है इसको हमने रखा, तो ये पी हमारा डेटा पे आ गया। तो पी के डेटा पार्ट पे 25 आ गया और इसके नेक्स्ट पॉइंटर पे हम लोगों ने नल रखा, तो नेक्स्ट पे नल आ गया। तो ये हमारा पहला नोड बन गया। तो हमें अब क्या करना है कि जब हमारे लिंक लिस्ट का पहला नोड बन गया तो हम इस नोड को कॉपी कर देंगे स्टार्ट पे। अभी स्टार्ट हमारा नल है तो अब नल पे यह कॉपी किया जाएगा। तो यहां पे अब हम स्टार्ट पे कॉपी करेंगे, लेकिन अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि स्टार्ट अभी तक नल है या नहीं, क्योंकि नोड क्रिएट करते समय हम लोग 5 नोड क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर ये पहला नोड क्रिएट हो रहा है तो स्टार्ट नल होगा, तभी स्टार्ट पे इसको कॉपी किया जाएगा। तो अभी स्टार्ट नल है तो इसको नल पे हम लोग स्टार्ट पे पी को कॉपी कर दिए। तो स्टार्ट पे अब पी का एड्रेस, ये हमारा पी था, इसका एड्रेस स्टार्ट में आ गया। तो हमारा पहला नोड बना और ये स्टार्ट में चला गया। स्टार्ट में जाने के बाद ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न हो गया। फंक्शन के रिटर्न होने के बाद फंक्शन वापस यहाँ पे आएगा लूप में। ये लूप चल रहा है, इस लूप में अब फिर ये लूप आगे बढ़ेगा और यूजर से दूसरा डेटा इनपुट करने के लिए बोला जाएगा। अब यूजर दूसरा डेटा इनपुट करता है 40। अब ये 40 यहाँ पास हुआ और फिर ये क्रिएट लिस्ट फंक्शन कॉल हुआ। अब फिर ये क्रिएट लिस्ट फंक्शन कॉल होगा तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आया है इसके डेटा सेक्शन पे क्या जाएगा, अब इसके डेटा सेक्शन पे 40 जाएगा। तो इसके डेटा सेक्शन पे 40 आ गया और इसके नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग नल रख लिए। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये नोड बना, तो ये नोड हमारा यहां बन गया, इसके नेक्स्ट सेक्शन पे नल आ गया। इसके नेक्स्ट पे नल और इसके डेटा पार्ट पे ओके। तो इसके नेक्स्ट पे नल है और डेटा पे 40 और इस नोड का एड्रेस है 70073। तो अब हमारा दूसरा नोड भी बन गया और डेटा भी आ गया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना है कि हमारा दूसरा नोड बन चुका है, स्टार्ट हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, स्टार्ट पे वैल्यू है। तो अब स्टार्ट पे पहले नोड का एड्रेस है तो ये स्टार्ट तो अब नल नहीं है, तो स्टार्ट अभी नल नहीं है तो इस इफ के अंदर प्रोग्राम मूव नहीं करेगा, प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इस फंक्शन का अगला लाइन क्या होना चाहिए, अब अगला लाइन ये होगा कि हम ये जो हमारा जो ये नोड है इसका एड्रेस 70073 है, ये एड्रेस हमको यहाँ रखना है। जब हम इस नोड के नेक्स्ट पार्ट पे इसका एड्रेस रख लेंगे तो ये दोनों लिंक हो जाएंगे, तो हमको इस नोड का एड्रेस यहाँ पे रखना है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक पॉइंटर जो हमने लिया था क्यू, इसमें स्टार्ट को कॉपी कर दिए। तो क्यू हमारा जो था उसमें क्या हुआ, स्टार्ट आ गया, यानी ये वाला नोड का एड्रेस क्यू में आ गया। तो अगर हम क्यू का यूज करेंगे, यानी कि अगर हम यहां पे लिखते हैं क्यू का डेटा, तो हमको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। और अगर हम देते हैं क्यू का नेक्स्ट तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नल मिलेगा, क्योंकि क्यू के नेक्स्ट यानी कि इस मेमोरी, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 70069 यानी इस मेमोरी को जो हमारा पहला नोड है। तो इसके नेक्स्ट पे क्या होगा, इसके नेक्स्ट पे होगा नल।
तो क्यू के नेक्स्ट पे नल मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस जहां पे नल है इस नल के जगह पे यानी क्यू के नेक्स्ट पे जो नल है उस जगह पे ये वैल्यू रख देना है, यानी क्यू का नेक्स्ट इक्वल टू हम लोग कर दे इस नोड का जो अभी क्रिएट हुआ है। ये नोड कौन सा है? ये नोड पी है। तो अगर हम क्यू का नेक्स्ट इक्वल टू पी कर दे तो क्यू के नेक्स्ट पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 70073, और ये दोनों लिंक हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम एक लूप चला रहे हैं। हमारा ये जो लूप चल रहा है क्यू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी क्यू के नेक्स्ट पे अगर नल नहीं है तो ये लूप चलेगा, लेकिन अभी क्यू के नेक्स्ट पे क्या है? क्यू के नेक्स्ट पे अभी नल है तो ये लूप नहीं चलेगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो हमारा क्या जा रहा है? क्यू नेक्स्ट इक्वल टू पी, तो क्यू के नेक्स्ट पे पी को रखा जा रहा है और पी का एड्रेस क्या है? 7003। तो ये यहां पे आ गया 7003 इस क्यू पे के नेक्स्ट पे यहां पे आ गया। ये हमारा अभी क्यू है तो क्यू पे आ गया 7003 और ये हमारा लिंक हो गया। इस तरह से ये हमारा लिंक जुड़ गया इन दोनों नोड के बीच में। क्लियर? इस तरीके से ये हमारा पहला और दूसरा नोड क्रिएट हो गया। अब नोड क्रिएट हुआ, ये एड्रेस गया, अब ये वापस फिर यहां पे जाएगा लूप में। अब यहां पे तीसरा वैल्यू इनपुट यूजर करेगा। अब यूजर जब तीसरा वैल्यू इनपुट करेगा, अब सपोज यूजर यहां पे इनपुट करता है 50, तो 50 के लिए फिर ये क्रिएट लिस्ट फंक्शन तीसरी बार कॉल होगा। अब तीसरी बार ये कॉल हुआ, फिर यहां पे एक मेमोरी जनरेट हुआ और यहां पे अब 50 आ रहा है तो पी के डेटा पे क्या जाएगा? अब जाएगा 50 और इसका एड्रेस 7077। तो अब ये हमारा तीसरा नोड भी बना। अब क्या करना है हमें? अब हमें इस तीसरे नोड को के एड्रेस को, इस एड्रेस को यहां पे लाना है तो ये इससे जुड़ जाएगा। तो इस नोड के एड्रेस को यहां पे रखना है और स्टार्ट का एड्रेस हमारे पास ऑलरेडी है पहले नोड का एड्रेस स्टार्ट में। तो अब हम लोगों का ये कंडीशन फॉल्स है। अब यहां पे फिर गया क्यू में स्टार्ट गया, यानी कि क्यू में स्टार्ट है 70069 ये वाला। अब लूप चलेगा व्हाइल क्यू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्यू के नेक्स्ट पे क्या है? अभी नल नहीं है तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन क्या कह रहा है? कंडीशन कह रहा है क्यू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्यू के नेक्स्ट पे नल नहीं है, क्यू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो लूप में आगे प्रोग्राम जाएगा क्यू इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट। क्यू में अब क्या रखा जा रहा है? क्यू का नेक्स्ट। तो क्यू का नेक्स्ट क्या है? 70073, यानी कि अब क्यू में क्या आ गया? 73, यानी कि ये वाला नोड आ गया। अब क्यू में ये वाला नोड आ गया। फिर लूप ऊपर की तरफ गया, फिर कंडीशन टेस्ट हुआ क्यू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्यू के नेक्स्ट पे क्या है? अब क्यू के नेक्स्ट पे अब नल है तो ये लूप क्या होगा? ये लूप अब ब्रेक करेगा क्योंकि कंडीशन क्या है? नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होना चाहिए लेकिन अब नल हो गया तो ये लूप ब्रेक करेगा। तो क्यू के नेक्स्ट पे अब पी रखा जा रहा है, तो पी अभी कौन है? पी ये वाला है, ये नोड तीसरा वाला जो हमने अभी मेमोरी जनरेट किया था, ये पी 77। तो अब क्यू के नेक्स्ट पे हम क्या रख रहे हैं? 70077। तो ये इसका एड्रेस इस पे आ गया, यानी कि अब ये और ये दोनों लिंक हो गया। अब ये दोनों लिंक हो गया। इस तरीके से हमारा तीन नोड जनरेट हो गया और तीनों कनेक्ट हो गया, स्टार्ट का एड्रेस हमारे पास आ गया। तो ये हमारा क्रिएट लिस्ट फंक्शन है, आप इसको यूज करें, रन करें। ओके, मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूं। यहां पे आप देखिए हमारे इस प्रोग्राम में
यही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैं इसको रन करता हूँ। क्लियर है, यहाँ पे देखिए एंटर वन फॉर क्रिएट लिस्ट, हम मैं वन देता हूँ। इंटर डेटा टू इंसर्ट 25, ओके 40 दूसरा डेटा, 50 तीसरा डेटा, 60 चौथा डेटा, 70 पांचवा डेटा। पांच नोड बनने थे तो 25 दिया, स्टार्ट पे चला गया, 40 उसका अगला नोड हो गया, एड्रेस रख लिया, 50 तीसरा, 60 चौथा और फिर 70 पांचवा। क्रिएट लिस्ट में पांच लूप चले, पांच नोड क्रिएट हो गए। ओके हमारा नोड क्रिएट हो गया, हम डिस्प्ले करते हैं तीन ऑप्शन प्रेस करके, मैंने ये बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ये देखिए डिस्प्ले हो रहा है हमारा वैल्यू। तो आप देखिए डेटा, पहला डेटा एड्रेस है 2294 जो एक्चुअल एड्रेस बना, और डेटा 25, फिर दूसरा एड्रेस 2302 और डेटा 40। इस तरीके से हमारा ये नोड और लिंक लिस्ट क्रिएट हुआ। आप इस क्रिएट लिस्ट फंक्शन को करें और रन करा के इसको देख ले। कोई क्वेरीज है आप हमको क्वेरीज मेरे इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे भी आप क्वेरीज अपलोड कर सकते हैं, मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।